अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज अब्दुल करीम और आज के इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का एक टाइप देखते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम कम से कम एक आर्ग्यूमेंट पास करें। वैसे तो हम एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आर्ग्यूमेंट हम लाजमी पास करें, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सो लेट्स हम चेक करते हैं, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। सो मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम रख देता हूं मैं बुक, और इस क्लास के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूं। तो मैं इंटीजर बनाता हूं, एक इंटीजर ए और बी, दो वेरिएबल्स मैंने बना दिए। अब मैं चाहता हूं कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूं, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे ताकि ए और बी को मैं इनिशियलाइज करूं। तो मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, एक इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। अब ए के अंदर एक्स वाली वैल्यू चले जाए, यानी जो एक्स में वैल्यू आएगी वो ए के अंदर चले जाएगी, और जो वाई में वैल्यू आएगी वो बी के अंदर चले जाएगी। ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करवाए। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, राइट? अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं एक वेरिएबल बनाऊ, सॉरी वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का। तो मैं बुक लिखता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं के। अब जैसे ही मैं के लिखूंगा तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल नहीं होगा। ये कॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये तो किसी आर्ग्यूमेंट को शो नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़े। तो मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये जो के ऑब्जेक्ट है इसको जैसे ही मैं बनाऊंगा, यानी अब मैंने बना दिया है, तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊ के वन, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर दू, ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। यानी क्या पूछने का मतलब है कि क्या ये कंस्ट्रक्टर चलेगा? तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सिर्फ एक आर्गुमेंट पास हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे क्योंकि हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं आपको रन करवा के दिखाता हूं। ये देखें एरर आ रही है कि आप जो बुक टाइप का एक आपने इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर पास की हुई है वो आप पास नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता आपकी क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका एक आर्ग्यूमेंट कम कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स डी ले लिया और डी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मैं ए को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर हो गया दूसरा जिसके अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। अच्छा, ऊपर हमने डी वाई लिख दिया है और नीचे हमने डी लिखा हुआ है, तो मैं इसको डी कर दूंगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, अब मैं इसको करता हूं रन। आप देखिएगा अब ये रन हो गया है, कोई एरर नहीं है, राइट? ये तो हो गया। अब ये दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। तो ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम उसे कहते हैं कि जब सेम नेम के फंक्शन हो, यानी दो फंक्शन हो या तीन फंक्शन हो, ये चार हो, जितने भी सेम नेम के फंक्शंस हो
लेकिन उनके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पे आप देखें ये बुक एक कंस्ट्रक्टर है और ये बुक भी एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हैं और इसके अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। तो हम इस इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को कहेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, और सिर्फ एक को कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इसको भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। और ये दो हमने यूज किए हुए हैं, इसका मतलब है कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब होता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जब हम किसी के अंदर एक पास कर रहे हैं, किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तीन, और नाम उनके हम सेम रख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं, दो फंक्शन हो और उनमें उनके नाम सेम हो लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो तो हम उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोल, राइट। तो ये हमारा हमारा जो हो गया ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब आप एक दफा नीचे आए दोबारा, हम चाहते हैं कि हम एक और ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, तो मैं बुक का एक और ऑब्जेक्ट ये थ्री बना रहे। अब मुझे बताएं कि यहां से कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जब मैं इसे रन करवाऊंगा तो एक एरर आएगी, ठीक है, देखें एरर आ रही है कि जो K3 ऑब्जेक्ट है उसके लिए तो आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब हम क्या करें। तो एक्चुअली हमें K3 के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसका नाम बुक होगा और इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूं तो आप देखिएगा, अब देखें ये रन हो गया है। इसका क्या मतलब है, हम वैसे अगर ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब कि मैं इसे ऑफ कर देता हूं, कमिट कर देता हूं इस सेक्शन को जो हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, ठीक है, मैंने इसे कमिट कर दिया और मैं इसको भी कमिट कर देता हूं, ठीक है। और नीचे ये जो हमने दो ऑब्जेक्ट पहले बनाए हुए हैं इनको भी मैं कमेंट करता हूं, क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्टर है वो नहीं है, तो मैं इसको भी कमेंट कर दिया और मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। अब देखें आप यहाँ पे K3 ऑब्जेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन मैं इसे रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब समझने की बात ये है कि जब हम कंस्ट्रक्टर दूसरे बना रहे हैं विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है जो ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो हमारा जो कंपाइलर है इसको खुद ब खुद बना देता है। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर होना लाजमी है। तो हम जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंपाइलर है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बना देता है। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो चल जाता है जो कंपाइलर की तरफ से बनता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनता है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वो दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वो बैकग्राउंड में बनता है, ऐसा समझे कि वो ऑब्जेक्ट फाइल में बनता है, राइट। लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया, फिर जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर आपने पैरामीटराइज्ड कोई एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा
वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करता हूं, ओपन करता हूं ताकि ये कोड रीडेबल हो जाए। राइट, तो अब मैं दोबारा रन करवाता हूं और मैं इस ब्लॉक को कर देता हूं क्लोज, क्योंकि हमने चेक करना है कि जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है या नहीं बनता। तो मैंने इस कोड को ऑफ कर दिया और ये बुक नाम का जो बुक क्लास का K3 ऑब्जेक्ट है, देखें कि क्या ये रन होता है या नहीं होता। तो ये हमारा रन नहीं होगा क्योंकि कंपाइलर ने देखा है कि आपकी क्लास के अंदर कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो कंपाइलर ने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बनाता है उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसलिए हमें खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ताकि जो K3 ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा कि ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर के टाइप थे और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और उसके अलावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे जो भी कंस्ट्रक्टर का एक टाइप है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।